तो सब कैसे हो, मैं हूँ रिटेल अनॉइन चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो एयरटेल रिटेलर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि एयरटेल का पहले जो ओटीएफ मिलता था वो ओटीएफ अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, अभी आप लोगों को न्यू ओटीएफ मिलेगा। और कौन सा एफआरसी पर कौन सा ओटीएफ मिलेगा सारा डिटेल्स बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप भी एक एयरटेल रिटेलर हो या बनना चाहते हो तो आपके लिए स्पेशलिस्ट वीडियो जरूर तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात तो देखो, अभी जब आप न्यू सिम एक्टिवेशन करो एमिन भी करो, पहले जो कमीशन मिलता था मतलब जो ओटीएफ आप लोगों को मिलता था, जो खर्चा आ जाता था एक न्यू सिम पर एक एमएनपी पर, वो खर्चा आप लोग को नहीं मिलेगा, मतलब उसमें नहीं आएगा, आपको उससे ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। और कमीशन जो मिलेगा वो पहले जो कमीशन मिलता था उससे थोड़ा कमीशन कम मिलेगा। तो कौन सा पैक पर ज्यादा अपडेट किया गया, कौन सा पैक पर आपको ज्यादा कमीशन, कौन सा पैक पर कम कमीशन, सब कुछ बात करेंगे। क्यों ना कौन सा एफआरसी पर कौन सा ओटीएम मिलेगा, कितना कमीशन आएगा, कितना खर्चा आएगा, सिम का डिटेल्स पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम न्यू सिम एक्टिवेशन का बात कर लेंगे। जो सबसे पहला जो फर्स्ट एफआरसी आ जाते 179 रुपीस का है, तो 179 रुपीस का अगर आप लोग एफआरसी रिचार्ज करके एक सिम एक्टिवेशन करोगे तो आप लोग को 54 रुपीस का ओटीएम बैक आ जाएगा इंस्टेंट। उसके बाद आप रिचार्ज का लिखोगे 10-11 रुपीस का रिचार्ज का कमीशन आएगा। तो एक सिम का नॉर्मली जो खर्चा आ जाएगा वो लगभग आप लोगों को 114 रुपीस का एक सिम का खर्चा आएगा। 179 रुपीस सिम आप लोग सेल करोगे आपका सिम का खर्चा आएगा 114 रुपीस, बाकी का जो होगा वो आपका कमीशन रह जाएगा। पहले एक कमीशन था जो कमीशन आप लोग को 54 रुपीस का ओटीएम मिलता था, वहाँ पर 88 रुपीस का पहले ओटीएम मिलता था जो कि बहुत ज़्यादा ओटीएम था, लगभग 30 रुपीस का आसपास। इसमें चेंजेस किया गया, मतलब कमीशन का काम किया गया, जो कि एयरटेल जैसे कंपनी के बहुत बड़ी बैड न्यूज़ बोल सकते हो। दूसरा पैक आ जाते 265 रुपीस का पैक, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा पैक है और इस पैक को बहुत सारे लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। तो इस पैक को अगर आप लोग न्यू सिम एक्टिवेशन के टाइम अभी यूज़ करोगे तो आप लोगों को इंस्टेंट जब भी सिम चालू हो जाएगा आपको 135 रुपीस का इंस्टेंट आपको ओटीएफ आ जाएगा, बाकी रिचार्ज का लगभग 16 रुपीस आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस सिम का जो खर्चा आएगा वो भी 114 रुपीस का खर्चा आएगा, जो कि पहले इस सिम का जो खर्चा था वो ओनली 81 रुपीस पर मिल जाता था, क्योंकि पहले जो ओटीएफ मिल जाता था अभी 135 रुपीस ओटीएफ मिलता था, तब 169 रुपीस का ओटीएफ आप लोगों को मिलता था। तो कमीशन में लगभग 20-30 रुपीस का फर्क देखने को मिला है, जो कि काम कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बैट है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताना। तीसरे एफआरसी मेरे एक बहुत ही बेहतरीन एफआरसी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इस एफआरसी को, जो है 299 रुपीस का, जिसमें कस्टमर को एक बेस्ट बेनिफिट मिलते हैं, रिटेलर को एक बेस्ट कमीशन मिलता था। बट इस पैक को भी नहीं छोड़ा, इस पैक पर भी अच्छा खासा कमीशन को काम किया गया। जैसे इस कमीशन अगर आप सिम एक्टिवेशन करते टाइम 299 को सिलेक्ट करके रिचार्ज करोगे तो आप लोग को जब भी सिम चालू हो जाएगा इंस्टेंट जो ओटीएफ आ जाएगा वो ओटीएफ आएगा 149 रुपीस का ओटीएफ आएगा। रिचार्ज वगैरह का लगभग 18 रुपीस का आपका रिचार्ज का कमीशन मिलेगा और आप लोगों को इस सिम का जो खर्चा आएगा ओनली 132 रुपीस, मतलब 132 रुपीस का आपका इस सिम का खर्चा आएगा, जो कि पहले इस सिम का खर्चा था ओनली 111 रुपीस 120 रुपीस तक पकड़ सकते। तो बाकी का जो भी हो सब कुछ आपका प्रॉफिट था, बाकी यहाँ पर भी अच्छा खासा काम किया गया है। साथ ही साथ आपको जो खर्चा आ रहा है अभी सिम का, तो इसके साथ और भी आप लोगों को 6 रुपीस जोड़ना पड़ेगा सिम कार्ड के लिए। तो अभी एक बहुत बड़ी बैड अपडेट किया गया है एयरटेल की तरफ से। कुछ दिन पहले तो 99 वाला मतलब जो प्लान था उसको बंद करके 155 रुपीस मिनिमम रिचार्ज प्लान किया गया, और उसके बाद एक बड़ी अपडेट आया है रिटेलर लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ी बैड है, क्योंकि 20 रुपीस मतलब बहुत कुछ, क्योंकि 20 रुपीस भी अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट देते थे तो वहाँ पर अच्छा खासा एक कस्टमर पोर्ट करना चाहते थे, बट आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कमेंट पे आकर जरूर बता देना। आप बात आ जाते एमएनपी का कमीशन को लेकर, एमएनपी में क्या चेंजेस किया गया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एमएनपी में एक बहुत बड़ी चेंजेस किया गया, जो कि पहले एक एमएनपी करते तो मेरे ख्याल से 3 रुपीस से 13 रुपीस का समथिंग खर्चा आ जाता था, बट अभी आप अगर एक एमएनपी करोगे तो आप लोगों को 23 रुपीस नॉर्मली खर्चा आएगा, बाकी सिम का और 5 रुपये, तो 30 रुपीस आप पकड़ सकते हो। एक एमएनपी करोगे तो खर्चा आएगा, बाकी का जो भी सब कुछ कमीशन, जैसे ओटीएफ जो आपको मिलेगा एमएनपी पर अभी के 299 का एमएनपी करोगे तो आपको 266 रुपीस का इंस्टेंट ओटीएफ आ जाएगा, बाकी रिचार्ज वगैरह का लगभग 10 रुपीस का समथिंग कुछ कमीशन मिलेगा, और जो सिम का खर्चा देगा 23 रुपीस बोल रहे, बट आप 23 नहीं आप 30 रुपीस मिनिमम पकड़ ही सकते हो, एक सिम का खर्चा आएगा जो कि पहले बहुत कम था। तो लगभग अगर सभी पैकों को देखोगे तो 20 से 30 रुपीस का चेंजेस किया गया है, मतलब काम किया गया है कमीशन को। तो ये अपडेट आपको कैसे लगा कमेंट पर जरूर बताना। मेरे को तो ये अपडेट बहुत ही बुरा लगा,
तो जस्ट क्या कर सकते हैं, ये तो कंपनी है वो जो करेंगे हमें तो देखना ही पड़ेगा। तो जस्ट अपडेट था कि आप लोगों को ये पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जिन लोगों को नहीं पता चलते, बहुत सारा ग्रुप वगैरह पे नहीं होते तो उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं चलते और वो लोग कस्टमर को ज़्यादा मतलब ऑफर वगैरह दे देते जिसके बारे में उन लोगों को नहीं पता रहता कि हमें कितना कमीशन मिलेगा और उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान आ जाते। बट आप लोग अगर जान के रखोगे तो उस हिसाब से आप कस्टमर को ऑफर दे पाओगे। तो इसीलिए आज का वीडियो था, आपको कैसे लगा कमेंट पे जरूर बता देना। बाकी चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर पाना चाहते हो वो भी कमेंट पे आके जरूर बता देना। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।